दोस्तों, मार्स पर जाने के लिए इंसान के सामने सबसे पहला चैलेंज है एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो अर्थ से लिफ्ट ऑफ होने के बाद बिना किसी टेक्निकल खराबी के मार्स पर लैंड कर सके। अगर आपके मन में स्टारशिप आया है तो बिल्कुल सही है। स्टारशिप का डेवलपमेंट 2016 से चल रहा है। SN1 से लेकर SN14 तक के लगभग सभी प्रोटोटाइप या तो लिफ्ट ऑफ या फिर लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हो गए और कुछ प्रोटोटाइप ने हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट, फ्लिप मैन्यूवर, फ्लिप कंट्रोल जैसे टेस्ट को पास कर लिया। ये सिर्फ स्टारशिप के प्रोटोटाइप का क्रैश ही नहीं था बल्कि स्पेसएक्स से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी था। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर ऐसा डिटर्मिनेशन लेके पैदा होते हैं कि वो घुटने टेकने को तैयार ही नहीं होते। उनमें से एक इंसान है इलोन मस्क। आखिरकार मेहनत रंग लाई और 5 मई 2021 को स्टारशिप के लेटेस्ट प्रोटोटाइप SN15 ने हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट, फ्लिप मैन्यूवर, फ्लिप कंट्रोल और लैंडिंग जैसे सभी कॉम्प्लेक्स टेस्ट को पास कर लिया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्टारशिप मार्स की उड़ान भरेगा और इंसान सबसे पहले चैलेंज पर खरा उतरेगा।